और उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शनों के लिए उज्जैन पहुंचे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन तोमर ने महाकाल मंदिर दर्शन के बाद फिल्म नायक अनिल कपूर की तरह भूमिका निभाते हुए सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चिमनगंज मंडी स्थित ऑफिस पहुंच गए, जहां देर से आए अधिकारियों को उन्होंने खूब लताड़ लगाई और मंत्री जी के तेवर उस समय ज्यादा गर्म हो गया जब स्टॉक नहीं मिला, जिसके कारण मंत्री ने अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने और जेल भिजवाने तक की बात कर दी। आइए आपको दिखाते हैं। खाद्य मंत्री प्रद्युमन तोमर मंगलवार को उज्जैन नगरी में निजी प्रवास पर थे, जहां उन्होंने अस्बा महाकाल मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर कुछ देर विश्राम के बाद मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के मंडी स्थित ऑफिस में छापा मारने पहुंच गए, जहां कई अनियमितताएं मिलने के बाद मंत्री तोमर भड़क गए और वहां स्थित आला अधिकारियों सहित कई छोटे अधिकारियों पर FIR दर्ज करने की बात तक कह डाली। इधर स्टॉक नहीं मिलने को लेकर भी मंत्री जी खासे नाराज दिखाई दिए। वहीं सुबह 10 बजे ऑफिस कार्यालय के बाहर जब ऑफिस में ताला मिला तो मंत्री जी ने अधिकारियों से ऑफिस खुलने का समय पूछ लिया, जिस पर अधिकारी कोई जवाब नहीं दे पाए। स्टॉक में मिली अनियमितताओं को लेकर भी मंत्री तोमर ने उज्जैन कलेक्टर को ऑफिस सील का स्टॉक मिलाने तक जांच करने की बात कही है। वहीं गोदाम में रखे खुले अनाज पर भी मंत्री जी खासे नाराज दिखाई दिए। कम शब्दों में अगर बोले तो मंत्री जी ने उज्जैन के तमाम अधिकारियों की जमकर क्लास ली। मैं नाराज नहीं हूँ। हमारी सरकार जो कांग्रेस की सरकार आई है, उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को अनाज मिले, साफ अनाज मिले, ये ड्यूटी हमारी है, हमारी सरकार। उस ड्यूटी को पूरा करना हमारा कर्तव्य। तो मैं ये देख रहा हूँ उसकी क्वालिटी कैसी है, माल जो गरीबों का जो खाने का माल है वो पूरा है कि नहीं है, तो ये मैं देखने आया हूँ। और इसमें देखने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो आपके सामने।